अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे, जिसमें अब मैं चिकन हाफ के जी शामिल कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया है। हम इसमें 2 टेबलस्पून धनिया ऐड करेंगे। एक स्मॉल साइज प्याज, 3 अदद मोटी हरी मिर्चें, 4 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे, ताकि तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से यकजा हो जाए। इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करके इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। मैंने अब एक कढ़ाई ली है। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, तो अब मैं इसमें एक एक करके कबाब शामिल करूंगी। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे एक साइड से कुक करेंगे, और इसी तरह 3 से 4 मिनट हम इसे दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से कबाब फ्राई हो चुके थे। अब मैंने इन्हें निकाल लिया था। उसी ऑयल में मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लेकर उन्हें फ्राई करके इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। 5 अदद टमाटर लिए थे और 2 हरी मिर्चें ली थी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी 1/4 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन देकर अच्छी तरह से मसाले को पकने देंगे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, तो अब हम एक एक करके इस पे फ्राई किए हुए कबाब शामिल करेंगे। और अब मैं इसे ढक्कन देकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी। मजेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम गार्निशिंग के तौर पर इस पे हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।